DAX Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel, DAX Tutorials. In last video, हमने आपको exercise 4.2 बताई थी. आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे exercise 4.3 पर, जिसमें हमें quadrilateral construct करने हैं when टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री साइड थ्री एंगल्स आर गिवन. यानी उस कंडीशन में हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जब उसमें दो साइड दी गई हो और थ्री एंगल दिए गए हों. चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन पर. इसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल एम ओ आर ई. इसमें आपको एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल एम इक्वल टू 60 डिग्री, ओ इक्वल टू 105 और आर इक्वल टू 105 डिग्री दिए. अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक 16 ये एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींच देते हैं. कितना खींच लिया, 6 सेंटीमीटर. इसके बाद एम पर 60 डिग्री का एंगल बनाते लाइन खींच देते हैं. डिग्री का एंगल कंपास से बनाना आता तो ठीक है, नहीं आता तो आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं. इसके बाद एंगल ऊपर 105 डिग्री का एंगल बनाना है. तो 105 डिग्री के लिए पहले हमें क्या करना होता है, 90 का बनाना होता है. तो 90 के लिए आप एक स्पार्क लगाते हैं और पहले 60 का बनेगा, फिर दूसरा आग लगेगा 120 का होगा और इसका हाफ करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. हमें 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 105. तो ये 90 है और ये 120 के बीच से हाफ करते हैं, यानी एक सेंटर यहाँ मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे आप ऐसे, फिर दूसरा सेंटर यहाँ मानेंगे उसी रेडियस से आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे. ये दोनों आर्क यहाँ कटते हैं, उसको मिलाती लाइन जो खींचेंगे वही लाइन आपकी 105 डिग्री की होगी. इसके बाद ये आपने यहां 60 डिग्री का बना दिया, यहां आपका 105 डिग्री का हो गया. अब इसमें ओ को सेंटर मान के ओ आर डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा देंगे 4.5 डिस्टेंस से. एक आर्क पॉइंट ले लिया ताकि ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाए. अब सेम प्रोसेस वही आर पर भी हम 105 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे. 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप खींचते हैं 60 का, 120 का और ये 90 का. हमें 90 नहीं चाहिए, 105 चाहिए. तो 20 और इसका 90 का हाफ करते हैं. एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे ऐसे, दूसरा आर्क एक आप यहाँ से लगाएंगे और इनको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे. और ये लाइन जो जाएगी इसको काट देगी इस तरीके से. इस पॉइंट से होगी लाइन दी थी, जो आपस में इस पॉइंट पर काटती है वो पॉइंट आपका ई होगा और ये आपका एंगल हो गया 105 डिग्री का. इस साइड 4.5 होगा, ये भी 105 होगा, ये 60 होगा. इस तरह से ये आपका एम ओ आर ई क्वाड्रेंट क्वाड्रिलेटरल बन गया. हमने इधर स्टेप कंस्ट्रक्ट किए हैं कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ये एक्सरसाइज स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले ड्रॉ एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेक एंगल ओ इक्वल टू 105 डिग्री. सबसे पहले हमने एम ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींचा और एंगल ओ पर कितने डिग्री एंगल बनाया, 60 डिग्री का 105 डिग्री एंगल बनाया. टेक अ पॉइंट आर सच दैट ओ आर इक्वल टू 4 और एक पॉइंट आर लिया इस तरीके से कि ओ आर हमारी 4.5 सेंटीमीटर हो एंड मेक एंगल आर इक्वल टू 105 डिग्री. फिर 105 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींच दीजिए. इसके बाद ड्रॉ ME एट एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री विद MO. MO के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ME खींच दी जो whose intersect RE, जो RE को at E, intersect RE at E, RE को E पर काटती है. सो क्वाड्रिलेटरल MORE इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. After that, second part of this question,
in which you have given coordinator P, L, A, N and corresponding measurement is that. Coordinator P, L, A, N, P, L equal to 4 cm, L equal to 6.5 cm, angle P equal to 90 degree, angle A equal to 110 and angle N equal to 85 degree. हमने पहले इसका रफ फिगर बनाया है पी एल ई एन करस्पोंडिंग मेजरमेंट लिखी पी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ए एल इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर इसके बाद एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री ए इक्वल टू 110 और एन इक्वल टू 85 डिग्री करस्पोंडिंग मेजरमेंट डी को हमने लिख दी। अभी आप ये देख रहे हैं हम इस कोऑर्डिनेटर को तब तक नहीं बना सकते जब तक हमारे पास ये वाला एंगल ना हो। इस एंगल का कोई यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन, इसलिए हमें ये वाला एंगल होना जरूरी है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है, एंगल P प्लस L प्लस A प्लस N इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो P की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल L प्लस एंगल A की वैल्यू कितनी है 110 प्लस N इक्वल टू कितना 85 डिग्री। ये सब वैल्यू पुट कर दिए आगे 90 110 और 85 को प्लस करेंगे 285 हो गया, 285 प्लस L इक्वल टू 360, तो एंगल L इक्वल टू होगा 360 माइनस 285 और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 75 डिग्री, यानी एंगल एल हमारा कितना आ गया 75 डिग्री। अब आपके लिए आसान हो गया, सेम वैसे ही सबसे पहले पी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, इसके बाद एंगल एल पर 75 डिग्री का एंगल कंपास से बना सकते हो, प्रोटेक्टर से भी। कंपास से कैसे बनता है 90 बनाएंगे, 60 का आर्क लगेगा, दूसरा आर्क 120 का लगेगा, इसको काट देंगे तो 90 का हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने ना भाग बनाते हैं, अभी 90 का नहीं बनाना हमें, 75 बनाना है, तो इधर 60 और 90 के बीच को हाफ कर देंगे तो 75 मिल जाएगा। यानी एक आर्क आपको यहाँ से लगाना है और एक दूसरा आर्क आपको यहाँ से लगाना है। ये कोई भी रेडियस से ले सकते हैं लेकिन दोनों रेडियस सेम होनी चाहिए। तो रेडियस सेम होने के बाद इसको हम इससे मिला तीन खींच देंगे तो हमारा ये 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसके बाद इसमें से एल ए इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर हमें इसमें से लेनी है, ठीक है। इसमें से हमें कितना लेना 6.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर होती है 6.5 सेंटीमीटर। अब ए पर हमें 110 डिग्री का एंगल कंपास से नहीं बना सकते तो प्रोट्रैक्टर से बना लेते हैं, 110 डिग्री का एंगल आती लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए ये वाली लाइन आपकी जाती है। इसके बाद एंगल पी पर हमारा कितना डिग्री का एंगल बना 90 का, 90 का एंगल कंपास से बना सकते हो तो बना दीजिए, ये कार्क लगाएंगे उसी रेडियस से कार्क लगाएंगे 60 का, दूसरा आर्क लगाएगा 120 का और फिर इसको आप यहाँ से फिर कट कर देंगे तो ये बन जाएगा 90। ये लाइन हम खींचते हुए इससे होती जाएगी तो हमारे कितने डिग्री का एंगल बनाया गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये जो कटेगा पॉइंट वो पॉइंट आपका एन होगा और ये एन ऑटोमेटिकली यहाँ पर 85 डिग्री का ही बन जाएगा। इस तरह से आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर पी एल ए एन कंस्ट्रक्ट होता है। स्टेप में आप देखेंगे सेम वैसे ही स्टेप है जैसे हमने पीछे वाले देखे थे, ड्रॉ पी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने पहले खींचा था, एंगल एल इक्वल टू 75 डिग्री एंगल में आप ही लाग कीजिए, टेक का पॉइंट ए सच दैट ए एल इक्वल टू 75 एनी पॉइंट एरिया जिस तरीके से सच दैट ए एल इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर हो, एंड मेक एंगल ए इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल ए पर 110 डिग्री एंगल में आप ही लाग कीजिए, ड्रॉ पी एन एट पी एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, पी एन एक लाइन खींची है एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री पर विद Pr, Pr के साथ 90 डिग्री में आती है, ना, Pr को N पर कट करती है। क्वाड्रेटर PLAN इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर। नाउ योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड वन, इन विच गिवन पैरेलोग्राम हियर, HEAR, HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इक्वल टू 85 डिग्री। अब हमें ये हमने एक रफ फिगर बनाया है HEAR, कोई आपका पैरेललोग्राम है, इसमें HE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपने लिख लिया, EA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिख लिया, एंगल R इक्वल टू 85 डिग्री लिख लिया। इसके बाद देखेंगे आपको ये किसी भी तरीके से ये क्वाड्रेंटर नहीं बना सकते,
तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे ये 5 है तो इसका अपोजिट साइड भी 5 होगी, बिकॉज ए आर इक्वल टू एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 6 है तो ये भी आपकी 6 हो जाएगी, और ये एंगल आर को 85 है तो आपका ये एंगल आर भी 85, ई भी एंगल 85, एंगल ए इक्वल टू एंगल, ये एंगल ई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 85 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद देखेंगे हम क्या करना है। अब आप इजीली इसको बना सकते हैं, ईए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कीजिए, इसके बाद आएंगे ई पर 85 डिग्री एंगल लाइन बना देंगे, प्रोटेक्टर से बना देंगे इसको, और ई पर ई से ये ई एच 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर इसमें कट लगा लेंगे, यानी ये पॉइंट एच हो गया और ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ये ई ये डिस्टेंस कंपास में बननी है, यानी 6 सेंटीमीटर, और एच को सेंटर मान के एक आर्क लगाना है आपको ऐसे, फिर आपको ए को सेंटर मान के ए एच सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से, तो ए आर डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए आर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का आर्क आप यहाँ से लगा देंगे, ये दोनों आप यहाँ कटते हैं वो पॉइंट आपका आर होगा, और इसको आपस में यहाँ पर जॉइन कर देंगे, उससे ये आपका एच ई ए आर आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का है, ये 85, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 85 का ही होगा। ठीक है, स्टेप के लिए वही है जो हम जैसे करते हैं वैसे लिखते जाते हैं, ड्रॉ ई ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेक एंगल ई इक्वल टू 85 डिग्री, take a point h on he such that h equal to 5 cm with center a and h and radii ar equal to 5 cm hr equal to 6 cm draw two arcs jo arcs kiye the whose intersect each other at r jo aapas mein r par kaatte hain join ar and hr join kar diya तो ये पूरा पैरेललोग्राम एच ई ए आर इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ है जो उसमें आपको रेक्टेंगल ओके दिया हुआ है, इसमें हमने फिगर बनाया ओ के ए बाई, इसमें आप देखें ओ के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, के ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, अदर मेजरमेंट इसमें दी नहीं, कोई एंगल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये 5 है तो आपकी इधर भी ये 5 सेंटीमीटर की होगी, ये 7 है तो ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर होगी, सेम जैसे ही जैसे ये किया है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आ रही। अब आपके पास 4 साइड ऑफ बनाएंगे दिया हुआ, आप आसानी से इसको जैसे ये बनाया था वैसे हम इसको बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, इट इज एनफ फॉर टुडे एंड लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, एंड लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट पढ़ो घर से कहो दिल से दस ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे। DAX Tutorials presents online live classes, mobile number 8279452537.